जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सलीम हैदर शहीद सुपर लीग। तो मैं हूं मोहम्मद अहमद और मैं हूं अली रजा। हम आपको दिखा रहे हैं आज वो ग्राउंड जिस पर हमने सुबह कल टूर्नामेंट स्टार्ट करना है सलीम शहीद वाला, और आप इंशाल्लाह इस चैनल पर लाइव देखेंगे वो टूर्नामेंट। तो आज हम देखते हैं कि ये ग्राउंड तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इस पर कल इन्होंने पानी लगाया था जिसकी वजह से थोड़ा सा ये ग्राउंड गीला है। तो कल इंशाल्लाह ये ग्राउंड खुश हो जाएगा, कल इंशाल्लाह टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा और आपने एंजॉय करना है, सारा लाइव देखना है और लाइक तो करना, सब्सक्राइब करना है। आज हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे इधर मैच खेल रहे हैं। तो जी इस वक्त हम पिच पे मौजूद हैं और पिच को देखने आए हैं। जी आज हम मौजूद हैं पिच पे और आज हम पिच को देखने आए हैं कि ये कैसा बना है। थोड़ा पिच हार्ड लग रहा है मुझे यार, पिच बैटिंग मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि पिच थोड़ा सा हार्ड है और सूखा पिच है। अच्छा आप बताएं कि ये पिच कैसा लग रहा है आपको? मुझे पिच थोड़ा सा रफ कंडीशन में लग रहा है, जब गेंद पास गेंद करेगा तो बॉल थोड़ी सी बैठ जाएगी, बॉल सी पिच है ना, थोड़ी सी बॉल बहुत अगर सकती अगर अच्छी लाइन पे बॉल की जाए तो गेंदबाज को अच्छी पिच है। ये आप कह रहे हैं कि बॉलिंग पिच है ये? हाँ जी ये बॉलिंग पिच है, अगर बैट्समैन अच्छा है तो फिर बॉलर का। मैं शाहजेब अहमद के पास। शाहजेब आपने टूर्नामेंट के एक अच्छे बल्लेबाज और एक अच्छे गेंदबाज भी हैं, तो आज आप ये इस ग्राउंड में आए ईद वाले दिन सुबह, इस ग्राउंड पे ये मैच होने वाला है सलीम हैदर शहीद सुपर लीग, पहला मैच ही हमारा है कोट बादशाह के साथ। तो आप ग्राउंड देखने आए हैं तो बताएं ये ग्राउंड कैसा बना है खेलने के लिए? ग्राउंड पहले से तो अच्छा, मैं ये नहीं कह सकता कि पहले जैसा बन रहा है ग्राउंड, इस दफा पहले जैसा नहीं बना ग्राउंड। ग्राउंड थोड़ा छोटा है लग रहा है आपको? हाँ ग्राउंड छोटा है, सामने भी मक्की है पीछे भी मक्की है, और फिर ये बात है कि इन्होंने ना एक दिन पहले पानी लगा दिया, तो अब जहाँ पे हम पाँव रखते हैं ये देखें ये गीली जगह जहाँ पे पाँव रखते हैं ना वो पाँव अंदर धंस जाता है जमीन में, वो गेंद ऊपर नहीं आ रही, जो गेंद अब यहाँ पे बाउंस ना होगा, गेंद जहाँ पे जमेगी वहाँ पर ही जम जाएगी गेंद, तो चौके काम लगेंगे जा सके। हाँ चौके नहीं लगेंगे और इसमें फील्डिंग वालों का भी नुकसान होगा क्योंकि वो भाग नहीं सकेंगे, जब भागेंगे तो उनका पाँव अंदर जम जाएगा जमीन में। तो थैंक यू शहजेब, आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया, तो आप अपने मैच की तैयारी करें कल की। अब आए हैं कदीर साहब जो कि टूर्नामेंट के बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं। कदीर साहब कैसा महसूस हो रहा है टूर्नामेंट खेलते हुए? यार ग्राउंड बहुत गीला है, ये मुमकिन नहीं लग रहा सुबह का मैच हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा अब हम जा रहे हैं अच्छा मैदर के पास जो कि इस लीग के यंग स्टार हैं। देखो ये ग्राउंड गीला लग रहा है, क्या मकसद है ग्राउंड में पानी लगाने का, क्या मकसद था इसका? ये मकसद है कि यहाँ पे जो गद्दा गुबार थी ना ये एकदम बैठ जाएगी, ग्राउंड को ना अच्छा लगेगा, बिल्कुल ना क्लीन नीट एंड क्लीन लगेगा, इसलिए पानी लगाया गया। अच्छा अच्छा ये तो भाई अच्छी बात थी ना कि ग्राउंड को सफाई करने के लिए किया गया। थैंक यू सर। हाँ जी तो हमने सारा ग्राउंड देखा है, थोड़ा थोड़ा सा गीला है लेकिन सुबह इंशाल्लाह मैच चलेगा, और माशाल्लाह बहुत अच्छा और खूबसूरत ग्राउंड बना है, पिच भी बहुत अच्छा बना है, बैटिंग पिच है। कुछ कह रहे हैं बैट्समैन जो बॉलर हैं वो बॉलिंग के लिए कह रहे हैं ये बॉलिंग पिच है, और जो बैट्समैन है वो कह रहे हैं ये बैटिंग पिच है। तो सुबह देखा जाएगा कि मैच आप लाइव देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपने ये लाइव मैच देखना। और मोहम्मद साहब आप बताएं ये आप सुबह मैच इंशाल्लाह लाइव चलेगा इधर, तो आपने पूरा मैच लाइव देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हाँ जी लाइक भी करना है शेयर भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।